भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की 10 सुपर फास्ट खबरें। यवतमाल जिले के महागांव में भी एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां टर्न लेते हुए एक ऑटो चालक को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार दो लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। ऑटो चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ, वही घटना पास में लगे CCTV में कैद हो गई। भंडारा के केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग को लेकर किए गए नए कानूनी बदलाव के खिलाफ वाहन चालकों ने बगावत का आह्वान किया है और इसका असर पूरे देश में सुनाई दे रहा है। वही आह्वान चालकों ने अहम हड़ताल का आह्वान किया है। इससे चलते आज सुबह से भंडारा तुमसर रामटेक हाईवे पर खापा में निजी आह्वान चालकों ने हाईवे जाम कर दिया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। नागपुर में नए हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। नए कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और ट्रक चालक संगठन के बीच बैठक हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। हड़ताल वापस का ऐलान होते ही सड़क पर ट्रक दिखाई देने लगे। हालांकि अभी भी कुछ संगठन हड़ताल समाप्त नहीं करने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सहित पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले नागपुर के सना खान मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी अल्पसंख्यक नेता सना खान की हत्या के मामले में नागपुर पुलिस ने एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि जबलपुर में से जब्त किया गया मोबाइल फोन सना खान का ही है। नागपुर के भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS 2011 बैच के अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल धनराज नीले ने 1 जनवरी 2024 को मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का पदभार संभाला है। वह महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय नासिक से मेडिकल स्नातक है। उन्होंने डॉक्टर शिवराज मानसपुरे का स्थान लिया है। अकोला के बालतपुर तहसील के कलम गांव में तेंदुए के हमले में एक गाय के बछड़े की मौत हो गई। बताया गया है कि किसान भास्कर दशरथ खेड़कर की गौशाला में तेंदुए ने गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। इस घटना से गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। नागपुर के प्रहार प्रमुख बच्चू कड़ो को लेकर चर्चाओं का दौरा जारी है। कड़ू महायुति के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर लगातार कसायों का दौरा जारी है। इसी बीच कड़ू ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन से खुश नहीं हूं। बयान के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या कड़ू लोकसभा चुनाव के पहले महायुति का हाथ छोड़ेंगे। नागपुर के पेट्रोलियम कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर भीड़ न लगवाएं। कंपनियों का कहना है कि कानून के तहत पेट्रोल डीजल और गैस आवश्यक वस्तुएं हैं, इसीलिए पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति और वितरण में कोई बाधा नहीं होगी। नागपुर के केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवरों का आंदोलन जारी है। सोमवार को शुरू हुआ आंदोलन मंगलवार को जारी रहा। आंदोलन में शामिल ड्राइवरों ने केंद्र सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ यह भी कहा कि ड्राइवर आतंकवादी नहीं है जिसे जेल में डाला जा रहा है, हम ड्राइवर हैं। नागपुर जिला मध्यवर्ती सरकारी बैंक घोटाले में दोषी करार सुनील केदार ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ 6 जनवरी को जवाब देने का आदेश दिया है। वही इस मामले में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।